नमस्कार प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक चैनल आरोग्य भाव में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने घर के अंदर काम करते समय हमारा हाथ जल जाता है, कभी हमारी उंगली जल जाती है, कभी रसोई घर में काम करते समय गरम तेल की छींट आ जाती है, या फिर गरम प्रेस से हाथ टच हो जाता है तो हाथ जल जाता है। ऐसा किसी भी स्थान पर जल जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें पीड़ा होती है और फफोले या छाले भी पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जल्दी से आराम आ जाए, आसानी से उस समस्या का समाधान हो जाए वो समस्या, इसके लिए मैं आपको एक सरल घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे की जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, बाजार से खुला हुआ नारियल का तेल लेकर आना है। खुला हुआ नारियल का तेल मतलब सील पैक कंपनी का नारियल का तेल नहीं लेना है, नारियल का तेल खुला हुआ अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। और थोड़ा सा तिल का तेल, तिल का तेल भी अच्छी क्वालिटी का लेना है। और इस खुले हुए नारियल के तेल में से 10 ग्राम नारियल का तेल और 10 ग्राम तिल का तेल, इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक जगह रख लीजिए। तो जिस स्थान पर जलने के कारण पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है या फफोले हो गए हैं, उस स्थान पर हल्के हल्के हाथ से इस तेल को लगा दीजिए। धीरे धीरे आपकी पीड़ा, आपकी जलन शांत हो जाएगी। यदि फफोले या छाले पड़ गए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और लगातार इसका प्रयोग करते रहने से जले हुए का निशान भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये था बड़ा ही सरल आसान घरेलू नुस्खा जली हुई स्किन को ठीक करने के लिए। दोस्तों, ये एक बड़ी ही आम समस्या है जो घरों में स्त्री पुरुष या बच्चों के साथ होती ही रहती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही आसान और सरल घरेलू उपाय मैंने आपको बता दिया है। आप इसका पूर्ण लाभ उठाइए और हमेशा लाभ उठाते रहिए। तो ये थी जानकारी इस वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगा नई स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।